इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस कर जाते हैं जिसकी वजह से कुछ परसेंट टैक्स बर्डन प्रोड्यूसर पर रहता है, कुछ परसेंट टैक्स बर्डन कस्टमर पर जाता है, या फिर एंटायर टैक्स बर्डन प्रोड्यूसर पर भी होता है, या फिर पूरा का पूरा टैक्स बर्डन कस्टमर पर चला जाता है। तो ऐसे सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस कर जाते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, मतलब शिफ्ट टैक्स शिफ्टिंग को लेके। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस कर जाते हैं। इस वीडियो में हम वही पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मतलब कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वजह से क्या इन्फ्लुएंस हो जाता है इंसिडेंट्स पे, वो पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जिसकी वजह से इंसिडेंट्स ऑफ टैक्सेशन में चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड पे an important role in the determination of tax incidence. Given the elasticity of supply, the greater the elasticity of demand, greater will be the incidence of taxation on the seller, and lesser will be the incidence on the buyer. मतलब क्या बोला है कि given the elasticity of supply, the greater the elasticity of demand. मतलब अगर elasticity of demand बहुत ज़्यादा रहेगा, तो greater will be the incidence of tax on the seller. देखो सीधी सी बात है, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगा तो ग्रेटर बर्डन किस पे होगा, टैक्स का, सेलर पे, एंड लेसर किस पे होगा, बैक पे। क्यों? क्योंकि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या होता है कि डिमांड में ज़्यादा चेंजेस होते हैं। ठीक है, अगर प्रोड्यूसर ज़्यादा प्राइस बढ़ाएगा, ठीक है, तो डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा बर्डन किस पे हो जाएगा, प्रोड्यूसर पे रहेगा, और कम बर्डन किस पे होगा, बायर पे होगा। इसका फर्स्ट टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। फर्स्ट है इन्फ्लुएंस है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो परफेक्टली एक बहुत अच्छी ट्रिक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, अगर परफेक्टली बोलता है तो किसी एक फैक्टर में चेंज होता है, हमेशा ध्यान में रखना, अगर परफेक्टली बोलता है तो किसी एक फैक्टर में चेंज होता है, मतलब या फिर डिमांड में चेंजेस होगा या तो फिर प्राइस में चेंजेस होगा। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है, किसी एक फैक्टर में चेंज होता है और दूसरा फैक्टर होता है कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे क्या बोला है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक मतलब क्या होता है, चेंज होना, डिमांड मतलब डिमांड, तो चेंजेस किस में हो रहे हैं, डिमांड में हो रहे हैं। मैंने अभी बताया परफेक्टली मतलब क्या, किसी एक फैक्टर में चेंजेस होता है दूसरा फैक्टर कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक मतलब चेंज, तो चेंज कौन हो रहा है, डिमांड हो रहा है, तो क्या कांस्टेंट रहेगा, प्राइस। ठीक है, ऐसे ये पढ़ते हैं, याद रखते हैं ऐसा, ये ट्रिक है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो हमें पता है कि डिमांड में चेंज होगा प्राइस कांस्टेंट रहेगी। डायग्राम देखेंगे अभी हम, दिखाई दे रहा है पी, प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, चेंज किस में होगा, डिमांड में होगा। ओके, डिमांड में चेंजेस होंगे, तो देखो ये आपकी ओरिजिनल सप्लाई है और ये डिमांड है। ठीक है, तो सप्लाई और डिमांड जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट से हम क्वांटिटी डिसाइड करते हैं और प्राइस। इकोनॉमिक में ऐसे ही होता है, जहाँ पे इकोनॉमिक में हम प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई, ये डिमांड है और ये सप्लाई, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट से हम क्या डिसाइड करते हैं, क्वांटिटी एंड प्राइस। ठीक है, तो ये क्या है, डिमांड है और ये क्या है, सप्लाई है। ठीक है, प्राइस को ही डिमांड बोलते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे सप्लाई और डिमांड इंटरसेक्ट हुई उस पॉइंट से हमने इक्विलिब्रियम डिसाइड किया। फिर उसके बाद टैक्स लगने की वजह से सप्लाई क्या हुई, शिफ्ट हो गई S1। तो सप्लाई शिफ्ट होने की वजह से इंटरसेक्शन दूसरा हो गया। देखो ये सप्लाई लाइन है और ये डिमांड की लाइन है। ठीक है, तो शिफ्ट होने की वजह से सप्लाई और डिमांड इंटरसेक्शन हुआ, इक्विलिब्रियम E1, मतलब नया इक्विलिब्रियम बन गया। इस इक्विलिब्रियम से क्या, क्वांटिटी डिसाइड हुई और प्राइस। तो दिखाई दे रहा है शिफ्टिंग की वजह से क्वांटिटी कम हो गई, मतलब Q2 Q1 आ गई, और प्राइस क्या हो गई, प्राइस तो कॉन्स्टेंट है, प्राइस क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, प्राइस में चेंजेस तो होने ही नहीं है। तो देखो ये शिफ्टिंग के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है ना, ये वर्टिकल हमेशा याद रखना, ये शिफ्टिंग के बीच में ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है TE1, ये होता है टोटल टैक्स, ये होता है टोटल टैक्स। अब प्राइस तो प्रोड्यूसर ने बढ़ा नहीं पाई, क्योंकि वो टैक्स कस्टमर पे कैसे शिफ्ट करता है, प्राइस बढ़ा के, बट प्राइस तो कॉन्स्टेंट है यहाँ पे। तो सारा का सारा बर्डन किस पे जाता है, सेलर पे, सारा का सारा बर्डन किस पे होता है, सेलर पे, एंटायर बर्डन किस पे होता है, सेलर पे। ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है ना दोनों शिफ्टिंग के बीच में सप्लाई, ये वर्टिकल डिस्टेंस TE1 होता है टोटल टैक्स। तो N, TE1 और P, ये जो बॉक्स है इसे हम बोलते हैं टोटल टैक्स। अभी टोटल टैक्स कौन पे करने वाला है,
प्रोड्यूसर, इंटायर बर्डन किस पे है? प्रोड्यूसर, क्योंकि सप्लाई तो कांस्टेंट है, सप्लाई में चेंजेस हो नहीं पाया। अगर सप्लाई में चेंजेस नहीं हुआ तो टैक्स भी शिफ्ट नहीं हुआ कस्टमर पे, ठीक है? तो ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। रिप्रेजेंट डी कर्व रिप्रेजेंटेड डिमांड कर्व, इट इज ड्रॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, जैसे मैंने परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। एस एस कर्व इज द ओरिजिनल सप्लाई कर्व बिफोर द टैक्स, बिफोर द टैक्स, ठीक है, ओरिजिनल है, बिफोर द टैक्स है। व्हेन द टैक्स इज इम्पोज ऑन द सप्लाई कर्व शिफ्टेड, ठीक है, टैक्स इम्पोज हुआ जिसकी वजह से सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू सप्लाई कर्व इंडिकेट द अमाउंट ऑफ टैक्स, ठीक है, जो मैंने बताया। ओके, व्हेन द सप्लाई कर्व शिफ्ट अपवर्ड टू द लेफ्ट, इक्विलिब्रियम चेंजेस फ्रॉम ई टू ई वन, ई टू ई वन, एंड द इक्विलिब्रियम फॉल्स। सारा जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया सारा लिखा हुआ है इस वीडियो में, समझा इस वाले डायग्राम में मैं ये एक्सप्लेनेशन समझाऊंगी, नेक्स्ट वाले डायग्राम में सिर्फ डायग्राम समझाऊंगी, क्योंकि जो जो मैंने समझाया वो सेम लिखा हुआ है यहाँ पे। बट द प्राइस रिमेन द कॉन्स्टेंट, ठीक है, एंटायर बर्डन किस पे होगा? इंसिडेंस इज बॉर्न बाय द सेलर, ठीक है, एंटायर बर्डन किस पे होगा? सेलर पे होगा, क्योंकि प्राइस तो शिफ्ट हो नहीं पा रही है। तो टोटल क्या है, देखो, टी ई वन पी एन, टी ई वन पी एन, ये बॉक्स को हम क्या बोलेंगे? टोटल टैक्स। ओके, अभी हम सेकेंड इन्फ्लुएंस पढ़ेंगे। देखो ये क्या था, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। तो इस फैक्टर की वजह से टैक्स इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या हुआ? इन्फ्लुएंस हो गया, ठीक है, इफेक्ट पड़ गया। अब सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। मैंने अभी समझा परफेक्टली मतलब क्या होता है, किसी एक फैक्टर में चेंज होता है और दूसरा फैक्टर कॉन्स्टेंट होता है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड मतलब क्या, इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक मतलब क्या होता है, नेम सजेस्ट कर रहा है, इन इलास्टिक मतलब होता है नो चेंज। तो डिमांड में चेंजेस नहीं हो रहा है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में चेंजेस नहीं हो रहा है। तो डिमांड में चेंजेस नहीं हो रहा तो किस में चेंजेस होगा? प्राइस में, मतलब डिमांड कांस्टेंट है और चेंजेस होंगे प्राइस में, क्योंकि ये परफेक्टली है, एक फैक्टर कांस्टेंट, एक फैक्टर चेंज, ठीक है। तो इन इलास्टिक डिमांड, डिमांड में चेंजेस नहीं होंगे तो प्राइस में चेंजेस होंगे, डिमांड रहेगा कांस्टेंट, डिमांड कांस्टेंट है, ठीक है, प्राइस में चेंजेस होंगे, डिमांड कांस्टेंट है, ये ओरिजिनल सप्लाई है एसएस, और जहाँ पे सप्लाई और डिमांड इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट से क्वांटिटी और प्राइस डिसाइड होती है। अब यहाँ पे प्राइस चेंज हो सकती है, डिमांड तो चेंज होगी नहीं, डिमांड कांस्टेंट है, क्योंकि इनलास्ट परफेक्टली इनलास्ट डिमांड है। सप्लाई शिफ्ट हुई टैक्स इम्पोज करने की वजह से, सप्लाई शिफ्ट हुई, सप्लाई शिफ्ट होने की वजह से डिमांड और सप्लाई में इंटरसेक्शन हुआ, तो इक्विलिब्रियम इवन आ गया, मतलब इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि डिमांड और सप्लाई में इंटरसेक्शन हो गया दोबारा से, तो इक्विलिब्रियम चेंज होता ही है, ठीक है। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट से हम प्राइस डिसाइड करते हैं और क्वांटिटी, तो दिखाई दे रहा है प्राइस क्या हो गई हमारी, बढ़ गई, ठीक है। डिमांड तो उतना रहेगा क्योंकि डिमांड तो कांस्टेंट है, क्वांटिटी चेंज होनी नहीं है। हमने देखा है कि प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो जाती है, बट यहाँ पे क्या है, डिमांड इन इलास्टिक है, इसलिए डिमांड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, प्राइस में चेंजेस हो गया। तो इसमें क्या होगा, एंटायर बर्डन होगा बायर पे, क्यों? क्योंकि सेलर कुछ नहीं पे करा, उसने सारा का सारा बर्डन कस्टमर पे शिफ्ट कर दिया बाय इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और जो भी मैंने बताया एक्सप्लेनेशन सब यहाँ पे लिखा हुआ है, एंटायर बर्डन बोर्न बाय बायर। अभी हम थर्ड इन्फ्लुएंस पढ़ेंगे। थर्ड है रिलेटिवली मोर इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली मतलब क्या होता है, दोनों फैक्टरों में चेंजेस होना, मतलब डिमांड और प्राइस दोनों में चेंजेस होगा। तो यहाँ पे रिलेटिवली मोर इलास्टिक डिमांड, मोर मतलब ज्यादा, इलास्टिक मतलब चेंज होना, डिमांड, तो मोर इलास्टिक डिमांड मतलब ज्यादा चेंजेस किस में हो रहे हैं, डिमांड में हो रहा है, तो कम चेंजेस किस में होंगे, प्राइस में होंगे, ऐसे पढ़ा जाता है। तो रिलेटिवली मोर इलास्टिक डिमांड मतलब प्राइस में कम चेंजेस होगा, डिमांड में ज्यादा चेंजेस होगा। तो हम देखेंगे पी है, राइट, ये है डिमांड कर्व और ये है सप्लाई कर्व। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट से हम डिसाइड करते हैं इक्विलिब्रियम, राइट, एंड प्राइस एंड क्वांटिटी, ओरिजिनल हुआ। फिर अभी क्या है, रिलेटिवली मोर इलास्टिक है, तो हमने क्या किया, सप्लाई शिफ्ट किया, मतलब टैक्स इम्पोज हुआ जिसकी वजह से सप्लाई एसेस शिफ्ट हो गई। सप्लाई शिफ्ट होने की वजह से डिमांड और सप्लाई में इंटरसेक्शन हुआ, फिर इक्विलिब्रियम वन हुआ, मतलब इक्विलिब्रियम चेंज हुआ। तो जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट से हम क्या डिसाइड करते हैं, क्वांटिटी एंड प्राइस, ठीक है। तो हमने देखा अभी प्राइस पी टू पी वन हो गई, मतलब प्राइस में कम चेंजेस हुआ बट डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई। डिमांड क्यू टू क्यू वन हो गई, मतलब प्राइस में कम चेंजेस हुआ और डिमांड में ज़्यादा चेंजेस हुए, ठीक है। तो ये जो शिफ्टिंग हुई ना सप्लाई की और टैक्स इम्पोज, ये प्री टैक्स है और ये टैक्स इम्पोज करने की वजह से शिफ्टिंग हो जाती है। तो शिफ्टिंग की वजह से ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, हमेशा याद रखना, इन दोनों के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है वही टोटल टैक्स होता है। तो टी ई वन है टोटल टैक्स, टी टी ई वन है टोटल टैक्स। अब इसमें हम देखेंगे इस टोटल टैक्स में से कस्टमर कितना पे करेगा और प्रोड्यूसर कितना पे करेगा। तो जो टी एम है, मतलब प्राइस के नीचे,
मतलब जो प्रोड्यूसर रहता है टैक्स बर्डन कैसे शिफ्ट करता है, प्राइस बढ़ा के शिफ्ट करता है कस्टमर पे, राइट। तो प्राइस के पहले जो रहेगा वो प्रोड्यूसर पे करेगा, और जितनी प्राइस प्रोड्यूसर ने बढ़ाई है वो कस्टमर पे करेगा बर्डन, टैक्स बर्डन। तो टी इवन है टोटल टोटल टैक्स, इसमें से टी एम है प्रोड्यूसर टैक्स जो प्रोड्यूसर पे करेगा, और एम इवन है कस्टमर टैक्स जो कस्टमर बॉर्न करेगा, क्योंकि ये इवन है, प्राइस बढ़ाया हमने मतलब ये पूरा टैक्स कौन पे करने वाला है, कस्टमर। तो एन टी एम पी ये जो पार्ट है ये प्रोड्यूसर पे करेगा क्योंकि प्राइस के नीचे है, और पी एम इवन पी वन ये वाला बायर पे करेगा जो गुड्स एंड सर्विसेज लेगा, क्योंकि प्राइस बढ़ा के प्रोड्यूसर ने टैक्स शिफ्ट कर दिया है बायर पे। तो ये है रिलेटिवली मोर इलास्टिक डिमांड, मतलब डिमांड में ज़्यादा चेंजेस होने की वजह से ज़्यादा बर्डन किस पे है, प्रोड्यूसर पे, दिखाई दे रहा है, ज़्यादा बर्डन किस पे है, प्रोड्यूसर पे, और कम बर्डन किस पे है, बायर पे। बायर पे क्या होता है, स्मॉलर बर्डन होता है, बायर पे स्मॉलर बर्डन होता है, एंड प्रोड्यूसर पे लार्जर बर्डन होता है, ठीक है। क्योंकि डिमांड में अगर वो ज़रा सा भी प्राइस बढ़ाएगा तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा बर्डन किस पे होता है, प्रोड्यूसर पे होता है, और कम बर्डन किस पे होता है, बायर पे होता है, ठीक है। ये होता है रिलेटिवली मोर इलास्टिक डिमांड। अभी फोर्थ पढ़ेंगे हम, फोर्थ है रिलेटिवली लेस इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली है मतलब दोनों फैक्टर में चेंजेस होंगे, लेस इलास्टिक डिमांड है मतलब डिमांड में कम चेंजेस हो रहे हैं तो प्राइस में ज़्यादा चेंजेस होंगे, लेस इलास्टिक डिमांड, डिमांड में कम चेंजेस हो रहे हैं तो प्राइस में ज़्यादा चेंजेस होंगे, ठीक है। डायग्राम देखते हैं, ये है सप्लाई और यह है डिमांड, जहाँ पे सप्लाई और डिमांड इंटरसेक्ट किए वो इंटरसेक्ट किए, इस पॉइंट से क्वांटिटी और प्राइस डिसाइड हुआ। अभी सप्लाई हम क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि टैक्स इम्पोज हो गया तो सप्लाई न्यू हो जाएगी। तो सप्लाई और डिमांड जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट से हम क्या डिसाइड करते हैं, इक्विलिब्रियम, नया इक्विलिब्रियम आया क्वांटिटी एंड प्राइस। तो दिखाई दे रहा है प्राइस कितनी हो गई, पी टू पी वन हो गई, इतनी प्राइस बढ़ गई, बट डिमांड में बहुत ही कम चेंजेस आए। सपोज प्राइस में 5% से चेंजेस आए तो डिमांड में 2% चेंजेस आए, तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, लेस इलास्टिक डिमांड है, डिमांड में कम चेंजेस होगा, प्राइस में ज़्यादा चेंजेस होगा, ठीक है। तो मैंने बताया इन दोनों के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो टोटल टैक्स होता है। तो दिखाई दे रहा है ये है सप्लाई एस एस, S1 S1 और ये SS, ठीक है। इन दोनों के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस है टी ई वन, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये क्या होता है, टोटल टैक्स होता है, टी ई वन ये टोटल टैक्स होता है। अब इसमें से प्रोड्यूसर कौन कितना पे करेगा और बायर कितना पे करेगा, तो सीधी सी बात है जितनी प्राइस बढ़ाई वो बायर पे करेगा, और प्राइस के नीचे कौन पे करेगा, प्रोड्यूसर। तो टी एम कौन पे करेगा, प्रोड्यूसर, और एम ई वन कौन पे करेगा, बायर। तो हमें दिखाई दे रहा है एन टी एम पी ये प्रोड्यूसर पे करने वाला है, और पी एम ई वन पी वन ये बायर पे करने वाला है। तो हमें दिखाई दे रहा है लार्जर बर्डन किस पे है, बायर पे है, और स्मॉलर प्रोड्यूसर पे है, क्योंकि टी एम इज स्मॉलर देन एम ई वन, ठीक है। तो ज़्यादा बर्डन किस पे है, बायर पे, और कम बर्डन किस पे है, प्रोड्यूसर पे है, क्योंकि प्राइस ज़्यादा बढ़ाने की वजह से डिमांड में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, ठीक है। ये सारा एक्सप्लेनेशन, ये चार टाइप्स के डिमांड फैक्टर्स थे जो इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन को इफेक्ट कर जाते हैं, इन्फ्लुएंस कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई।